हेलो गाइस, मैं हूँ राजा जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। वेलकम करता हूँ सभी व्यूवर्स को। और आज फिर हम एक और न्यू हेयर स्टाइलिंग ट्राई करेंगे गाइस। ये राउंड लीव्स टेक्निक के ऊपर बेस्ड होगी हेयर स्टाइलिंग हमारी, जो हमने एक राउंड लीव हेयर स्टाइल बनाया था। सो इस हेयर स्टाइलिंग के लिए गाइस आप अच्छे से ड्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, और आयरन करें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, एकदम स्मूथ बना लेंगे हेयर को। और ये हमने एक पोनी बनाया है, आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर, क्राउन पॉइंट के ऊपर हमने सेक्शनिंग की है। नीचे वाले पार्ट में हमने ये एक बेसिक बन बनाया है, लो बन, थोड़ा सा नेप एरिया के ऊपर रहेगा। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको क्लिप करेंगे अभी, और उसमें हम लाइंस क्रिएट करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में हम लाइंस क्रिएट करेंगे, और जो सामने हमने फ्लिक के लिए छोड़ा है सेक्शन, वो एक वर्टिकल सेक्शन है, पूरा सेक्शन नहीं है। आप देखेंगे नीचे वाला पार्ट हमने थोड़ा छोड़ के रखा है, बीच में हमने एक क्वांटिटी ली है थोड़ी सी जिस पे हम वर्क करेंगे। और ये लाइंस क्रिएट करने के बाद जुड़ा पिन से हमने इसको रोक दिया है, और अभी एक फाइन सेक्शन लेंगे और उसमें हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं राउंड लीव्स करके हमारे एक हेयर स्टाइल है, उसमें जो हम लीफ बनाते हैं उस उसी टेक्निक के ऊपर ये स्टाइल बनने वाला है, पुलिंग टेक्निक के साथ। एक बार ऊपर की तरफ राउंड करना है, एक बार नीचे की तरफ, और स्प्रे करना है। और जोड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़ा जितना भी लगता है हम स्प्रे के साथ उसको ऊपर उठाकर रोक देंगे। और ये एक सेक्शन हम छोड़ेंगे नीचे की तरफ, जो एक हम लाइन बनाने वाले हैं इसी वर्क के साथ। तो जो बचा हुआ एरिया आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, जो पार्ट बच रहा है उसको कवर अप करने के लिए हम ये नीचे की तरफ भी यही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, और उसी के लिए हमने वो सेक्शन छोड़ा है। और भी हम सेक्शन आगे भी छोड़ेंगे अभी। ये इस तरीके से आपको रोकना है, स्टिक के साथ रोक सकते हैं, अगर लॉन्ग वाली जुड़ा पिन आपके पास उसके साथ भी रोक सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे वाले पार्ट को हम वैसे ही पुल करेंगे सो दैट वो एक राउंड शेप में आ जाए। ये और टर्न करने के बाद स्प्रे करके हम जुड़ा पिन से उसको पिन अप कर देंगे। वैसे ही ये ऊपर वाला पूरा पार्ट कवर अप करना है हमें। ये फिर हमने नीचे के लिए एक और सेक्शन छोड़ा, ये आप देख रहे हैं जितने स्मूथ हेयर होंगे, आयरन होंगे, उतना इजीली पुल अप हो सकते हैं, वो आसानी से आप उनको स्प्रेड कर सकते हो, खींच सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टाइल क्लियरली समझ भी आ रहा होगा और पसंद भी आएगा।
गाइस, और एक बार फिर से मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये ऊपर का हाफ पार्ट हम वैसे ही कवर अप करेंगे, आपको आइडिया लग गया होगा। अभी नीचे वाला जो एक पार्ट है उसको भी सेम इसी टेक्निक के साथ हमें कवर अप करना है। ये जो हमने नीचे की तरफ सेक्शन छोड़ा था उस वाले सेक्शन के साथ हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे, वही डबल फेस लीफ बनाना है हमें। टू साइडेड ये आप देख सकते हैं, एक लीफ को आप समझ जाएंगे तो पूरा ही स्टाइल बन जाएगा। गाइस, आप एडवांस हेयर स्टाइलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये आगे की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो ये सेक्शन लिया है मोस्टली हम नीचे तलक उस सेक्शन को पूरा लेते हैं जो हमारा फ्रंट साइड का होता है, मगर हमने एक स्क्वायर थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप शेप में हमने सेक्शन लिया था, और ये फाइन फाइन सेक्शन के साथ आप देख सकते हैं हमने हल्का सा उसको पुल किया ऊपर की तरफ सो दैट वो एक बाउंस आए ऊपर, अलग अलग एक एक सेक्शन नज़र आए। तो स्टार्टिंग से ही जब हम हल्का हल्का उसको हाइट देंगे तभी वो ऊपर तलक बाउंस के साथ जाएगा, क्लियरली एक एक सेक्शन दिखेगा। ये आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन को थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करना है स्प्रे के साथ, थोड़े से टाइम के लिए 2-4 सेकंड के लिए उसको ड्राई होने देंगे और आगे वर्क करेंगे, और एंड पे उसको स्टिक के साथ रोक देंगे क्योंकि सब सेक्शंस को मिला के हम एक जगह इकट्ठा करके जुड़ा पिन लगाने वाले हैं। तो उसको अलग अलग रख के ही स्टिक के ऊपर रख देंगे या जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे। मेनली हम फ्रंट को ज़्यादा एनहेंस करेंगे, क्लियरली दिखाना चाहेंगे एक एक लेयर को। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये स्टाइलिंग डन है हमारी, बस उसको एक्सरसाइज करना है मोटे और एक छोटे साइज वाले बीट्स के साथ। सो गाइस, ये था हमारा आज का स्टाइल, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ना करना करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टाइल के साथ, तब तक अपना यूँ ही ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।